आज आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के डिमांड पे इलेक्ट्रिक स्कूटी एक मैम ने परचेज किया, तो हमने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है ओकिनावा की R30, ओकिनावा R30, ठीक है। तो मैम ने परचेज किया है, तो हमने सोचा कि इसको पेट्रोल स्कूटी के साथ और इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ कंपेयर कर दिया जाए कि कौन सी गाड़ी लेनी बेहतर है। और एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जो लोग रिव्यूज़ कर रहे हैं गाड़ी की, वो लोग शोरूम में जाके रिव्यू कर रहे हैं, बट मैं मैम से पर्सनली एक्सपीरियंस करूँगा, क्योंकि इतने दिनों से मैम ड्राइव कर रही हैं, लगभग 5-6 दिनों से, 10 दिनों से ज़्यादा ही हो गया होगा, है ना। तो मैम ड्राइव कर रही हैं, तो मैम मैम से जानूंगा उनका एक्सपीरियंस कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस है। और ये पेट्रोल गाड़ी है एक्टिवा 6G, जो कि अभी मार्केट में चल रही है। तो आप लोगों को पता है इसी से मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो एक्टिवा 6G, तो मैंने सोचा कंपेयर एक बार कर लेते हैं, है ना। तो आराम से मैम बैठ जाइए आप इलेक्ट्रिक स्कूटी पे। मैम यही है और मैम ने परचेज़ किया इलेक्ट्रिक स्कूटी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। तो चलिए मैम, आप सबसे पहले ये बताएंगे आपको ये स्कूटी कितनी, इसकी प्राइस क्या पड़ी आपको? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये स्कूटी की एक्चुअल प्राइस है 70,000। 70,000 ऑन रोड, मतलब कोई वो सब मतलब सारी चीज रोड पे निकाल के आपको 70,000। ओके, 70,000 रुपये इसकी प्राइस है। देखिए आप, ओकिनावा की है ना, कंपनी है ओकिनावा R30, आप देख सकते हैं यहाँ पर R30। तो मैम ने बताया 70,000 इसकी प्राइस है, 70,000 रुपये। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, मतलब क्या क्या बुराई है और क्या क्या अच्छाई है, वो मैम से ही जानेंगे इनके एक्सपीरियंस से, इतने दिन इन्होंने ड्राइव किया है अपनी स्कूटी। और उसके बाद फिर मैं कुछ कुछ चीज़ें इसमें टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो मैम पहले सबसे पहली चीज़ है, आप इसमें सबसे पहले आप अच्छाई बता दीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी है, तो आप पहले इसके बारे में अच्छाई ज़्यादा बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि क्या क्या इनमें बुराई भी है। देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी ये अच्छी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, या प्रेफरेबल मैं बोलूँगी, जो अभी अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट्स हैं, अच्छा। किसी भी तरह की देखिए कोई अर्निंग नहीं है, क्योंकि हम लोग सबको ही जानते हैं कि अभी पेट्रोल का क्या प्राइस चल रहा है। और अगर आपकी जर्नी पर डे 5 to 6 किलोमीटर्स भी है, तो आपको आप पर डे के हिसाब से या 2 दिन के हिसाब से भी आप 100 रुपीज़ का अपना खर्च ये कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग जाते हैं, तो एक मंथ में 3 to 4,000 आपको पेट्रोल के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो मैंने ये स्कूटी बेसिकली इसलिए परचेस की, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हूँ, स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रही हूँ, तो मैं इस पर एक्सपेंसेस नहीं ये कर सकती थी। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है। सेकंड है कि इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी लास्ट स्पीड है 30 किलोमीटर से। अच्छा, तो इसमें मुझे लाइसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मैंने जब लाइसेंस के बारे में एक्चुअल पता किया, तो 4-व्हीलर + 2-व्हीलर का कॉस्ट मेरे को टोटल पड़ रहा था 8,000 to 9,000 के अराउंड में पड़ रहा था। तो मेरे लिए अभी बियरेलेबल नहीं था, इसीलिए मतलब एक लाइसेंस भी इसमें मतलब लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड बेनिफिट इसका ये हो गया, आपको जब आप ये स्कूटी परचेस करेंगे, तो आपको शोरूम से एक कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये लो स्पीड की गाड़ी है, अगर किसी भी तरह का कोई ट्रबल होता है या पुलिस का को भी ये होता है, तो वो कार्ड बस दिखाना पड़ता है। और तीसरा बेनिफिट है, गाड़ी में हम लोग को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। किस टाइप की इंश्योरेंस है गाड़ी की, मतलब डैमेज इंश्योरेंस? हाँ, डैमेज इंश्योरेंस भी मिलता है। चौथा बेनिफिट इसमें यह है कि जैसे मुझे 3 साल की वारंटी भी मिली है बैटरी की 3 साल की वारंटी है। 3 साल के अंदर में अगर बैटरी में किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट आता है या गाड़ी में डिफॉल्ट आता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी मतलब ओकिनावा की होगी, कंपनी की होगी। ऐसे मतलब मुझे बताया गया है कि आप गाड़ी को स्मूथली जितना ज़्यादा रन करेंगे, ये मतलब बैटरी 5 साल तक भी जा सकती है। तो 5 साल तक मतलब मुझे गाड़ी में किसी भी तरह का 1 रुपये का कॉस्ट नहीं लगाना है, और मैं फ्रीली अपना कोई भी काम कर सकती हूँ। तो मैम जैसे इसमें सर्विसिंग भी तो करवानी पड़ती होगी? हाँ, सर्विसिंग करवानी है सर, बिल्कुल करवानी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि गाड़ी की हालत कैसी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी अगर आप अच्छे से रन कर रहे, बेसिकली इसको हम लोग को बताया गया सर कि आप ज़्यादा जैसे पथरीले जगह पे इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी हाँ, है आप बता रहे हैं कि इसकी हाँ, जो टॉप स्पीड है वो 30 की है ना, और इसीलिए मैम जो बताई है कि टॉप स्पीड 30 की है, इसीलिए इसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे जो नंबर प्लेट है बिल्कुल ब्लैंक है, और यहाँ नंबर प्लेट है जो बिल्कुल नंबर, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखी हुई है ना, तो वो जा सकती है उतना। और मैम की जो है वो 30 की स्पीड है, इसलिए इसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बच्चे भी चला सकते हैं 4-5 साल के, वो तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मतलब इसको बिना लाइसेंस वाले भी बंदे चला सकते हैं, है ना।
लेडीज हैं या मतलब जिनका जिन जो इतना प्रेफर नहीं कर सकती हैं कॉस्ट अभी बियर करना कि पर डे में मतलब या दो दिन में हम 100 रुपीज का तेल उसमें ये करे या लाइसेंस के पीछे अपना माथा खराब करे, तो वो उनके लिए ये स्कूटी बहुत अच्छी है, बेस्ट है ये स्कूटी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अब तो आपने अच्छाई अपनी गाड़ी के बारे में बता दिया, अब कुछ बुराई बताना चाहते हैं या उसको छुपा लिया जाए? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इस गाड़ी के मुझे यही लगती है सर, जैसे हम लोग एक्टिवा रन करते हैं, एक्टिवा में सबसे बड़ा चीज़ है सर कि जैसे मैं उसको जितना स्लो आगे ले जाना चाहूँ उतना स्लो ले जा सकती हूँ, लेकिन इसका इस गाड़ी ओकिनावा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है सर कि इसका क्लच बिल्कुल ढीला रहता है, एक्सेलेटर सॉरी सर, इसका एक्सेलेटर बिल्कुल ढीला रहता है। अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्शियस नहीं लिया, थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर से उधर गया, ये गाड़ी बहुत बहुत फास्टली रन कर जाती है। अच्छा, मेरे साथ 2 बार हो चुका है कि मैंने मतलब अपने ही गेट पे हिट कर दिया इसको। अच्छा, मतलब लगा दिया अभी नई नई गाड़ी, मतलब लग चुकी है, 2 बार हिट कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, आपको एकदम कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मतलब क्लच पे आपको हाथ इसका बैठाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, रांची में ड्राइविंग करना बेसिकली हम लेडीज के लिए बोलेंगे इतना आसान नहीं है, अगर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो अभी फ्रेशर्स हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक देखिए खाली रोड पे तो हर कोई बादशाह बन जाता है। बादशाह हम लोग को कहाँ बनना है, जब मेन ट्रैफिक है, बिल्कुल वहाँ पे एक्चुअल हम लोग को पता चलता है कि हमने क्या सीखा, कैसे सीखा, सही तरीके से सीखा या नहीं सीखा। तो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है मतलब इसी से आपको प्रॉब्लम होगा और किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अच्छा, और इसमें कुछ बुराई? हाँ, इसका और एक चीज़ है सर कि स्पीड इसका बहुत लो है, 32 किलोमीटर तक ही है। अगर ऐसा मतलब कभी किसी भी तरह का सर्कमस्टेंसेस लाइफ में किसी के साथ कभी भी आ सकता है, तो अब 30 किलोमीटर ओवर नहीं जा सकता है। बिल्कुल, मतलब इससे ज्यादा ये स्पीड है ही नहीं, वो टॉप स्पीड है 30, है ना। तो मतलब हमारे जैसे लोगों को इस स्कूटी के लिए मतलब अच्छी नहीं भी रहा है कि हम और थोड़ा तेज रन कर ले, जैसे मैंने बोला कि किसी भी तरह का सर्कमस्टेंसेस आ सकता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो नाइट में अपनी ड्यूटी से आ रही थी, तो उनके पीछे कुछ मतलब गुंडे उनके पीछे लग गया थे, तो उनकी भी यही स्कूटी थी, लेकिन मैम चाह रही थी कि 30 किलोमीटर ओवर जाऊं, लेकिन उनको तो पता था कि जाएगा नहीं। अच्छा, वो मतलब किसी भी तरह का देखे कि सर्कमस्टेंसेस किसी के साथ भी आ सकता है। मतलब तो मैम बता रही हैं कि मैम की एक फ्रेंड थी और वो एक्चुअली ओकिनावा यही स्पीड, तो वो स्पीड के पीछे जैसे बहुत सारे गुंडे उनके पीछे लग गए, तो वो चाह कर भी उसको स्पीड नहीं कर पा रही है। ये भी मुझे एक मतलब मेजर, लेट नाइट इसको नहीं निकाल सकते, लेट नाइट मतलब कुछ ऐसा उस टाइप से एरिया में, मतलब एरिया वाइज डिपेंड करता है। अगर आप मेन सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ऐसे आप आउटर में लेकर चले गए तो अगर कोई आपके पीछे पड़ गया तो उसको आप चाह कर भी उतनी स्पीड से नहीं ले जा सकते, है ना। हम लोग का बेसिकली ऑन रोड का काम रहता है अपना, टाइमली घर आ जाना, तो उसके लिए उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब लोकल आप इसको चला सकते हैं, है ना। लोकल इसको चाहिएगा कि मिड नाइट में हम इस गाड़ी से मोटर गश्ती कर ले, लेडीज के लिए हम बात कर रहे हैं, जेंट्स के लिए नहीं बात कर रहे, तो वो आप भाई अपना सेफ्टी देख के चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा। आप ये सबसे मेजर प्रॉब्लम, मुझे भी ऐसा लगा कि ये सच में प्रॉब्लम हो सकती है, ये 30 की स्पीड के लिए देखिए हर चीज को सोच के अपना चलना चाहिए। और इसमें आपको क्या ऐसा फीचर्स दिया है जो आपको पसंद आया और वो पसंद नहीं भी आया? सर बाकी जो भी फीचर्स है वो अदर गाड़ी इसके सिमिलर ही है, ऐसा कुछ इसमें पर्टिकुलर सारी चीज सेम है, बस जैसे इसमें चार्जिंग कुछ का कुछ है, अलग है इसमें कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। चार्जिंग अच्छा, बैटरी इसका कहाँ लगता है? कैसे होता है पुश में से जाने से हल्का सा जोर से करना पड़ता है सर, हल्का सा जोर से पुश करके हल्का जोर से करना पड़ता है, तुरंत कुछ टक से आवाज करता है सर। ये देखिए सीट ओपन हो गई है और ये है बैटरी। अच्छा, यही है बैटरी? जी सर, यही सर। तो ये बैटरी मतलब यहाँ ऐसे ही रखी रहती है? जी सर, बैटरी इसी में रहेगी। अच्छा, गाड़ी अच्छा। को जब हमको चार्ज करना है तो यहाँ पे एक बटन बताया गया है, बटन को हम लोग ऑफ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बटन स्विच को ऑफ करेंगे, करेंगे, है ना। इसमें 3 पिन का एक प्लग जाता है। अच्छा अच्छा, जिसमें 3 पिन का प्लग, और ये जो है ये डायरेक्ट आपका स्विच में लग जाएगा? डायरेक्ट स्विच में नहीं लगाना। अच्छा, इसका एक बोर्ड आता है। अच्छा, एक्सटेंशन बोर्ड? क्या एक्सटेंशन? तो मैम एक्सटेंशन बोर्ड से क्या मतलब है? अगर डायरेक्ट हम लोग इसको स्विच में ही डाल देते एक्सटेंशन बोर्ड, तो वो डायरेक्ट डालने से सर आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। अच्छा, ऐसा है जी सर, क्योंकि लोड ज्यादा लेगा। अंदर में तो पूरा ओपन है जी सर, है ना, मतलब ये ऐसे रखा रहता है बैटरी? जी सर, इसी में रख रहता है कि ताकि। तो ये तो मैम ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है, फिर कैसे पावर दे रही है? पावर दे रही है सर, जैसे 3 डेज पहले मैंने इसको अपने घर में, नहीं नहीं, जैसे ये 2 बैटरी इसमें दिया है क्या? नहीं सर, यही है। नहीं तो ये पावर कहाँ से दे रही है?
पावर, मतलब बिना पावर के मतलब चल नहीं चल सकती है ना सर। ये आपका यहाँ पॉइंट तो सही है, नीचे होगा सर, नीचे होगा। अच्छा, इससे तो शायद हम चार्ज करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं सोचा यही बैटरी है। नहीं सर। अच्छा, वो अंदर में बैटरी लगी होगी, वही तो मैं सोचा कि ऐसे ओपन बैटरी तो छोड़ नहीं सकता है, इसी के अंदर होना चाहिए। अंदर में बैटरी होगी। अच्छा, ये है बैटरी, आप लोग देख सकते हैं, है ना। एक बार मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पर है बैटरी, ये यहाँ पर है, देखिए है ना, बैटरी अंदर में लगी हुई, ये है बैटरी। एक 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 और डिफॉल्ट बताना चाहेंगे सर आपको जी। सबसे मेजर डिफॉल्ट आपका ये है, इस गाड़ी को आप जहाँ तहाँ नहीं लगा सकते हैं। जहाँ तहाँ, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने गाड़ी को कहीं लगा दिया और चाय पीने चले गए, ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी चोरी हो सकती है। कैसे? क्यों चोरी हो सकती है? क्योंकि सर इसका बैटरी का कॉस्ट अभी एटलीस्ट जा रहा है 20,000 के अराउंड, तो और इसमें किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग खोजना भी चाहे तो नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने जब परचेस किया था तो वहीं से ये बता दिया था कि इस गाड़ी को आप जहाँ तहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी मतलब चोरी हो, और इसको इतनी हल्की है कि हाथ से भी उठा के आदमी लेके टांग वांग के इधर उधर रख देगा, है ना। इसका बैटरी का कॉस्ट अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसका बैटरी तो इसकी बैटरी मतलब बाहर से आ रही है, है ना। अच्छा अच्छा, ये भी आपने सही बात बताया, है ना, काफ़ी ये देखिए इन्फॉर्मेटिव बात में हमने बताया कि कहीं भी आप गाड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी खासकर ये जिसके भी नंबर प्लेट नहीं लगे, क्योंकि गाड़ी को खोज पाना किस चीज़ से आदमी खोजता है। अगर कोई गाड़ी ड्राइव मान लीजिए ये कल के डेट में मैं इसे चोरी कर लिया और मैं इसे ड्राइव कर रहा है, तो मैम कैसे मुझे पकड़ेगी? हर गाड़ी को तो ओकिनावा को नहीं रोक सकती है, तो मेरे जैसे चोर ऐसे लेकर भाग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि अगर आप लोग ये सब चीज़ देखिए, बहुत मैम मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन जो मैम दी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग कहीं भी गाड़ी नहीं लगा नहीं सकते, ठीक है मैम, रख दीजिए अंदर। पार्किंग का एक स्पेस होता है जहाँ अथॉरिटीज रहती है, ठीक है, आपको चालान भी काट करके देता है, वहाँ वहीं पर गाड़ी प्रॉपरली पार्क कीजिए अपना। अच्छा अच्छा, मतलब चलिए, मुझे कुछ कुछ चीज़ें इसमें अच्छी लगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें जिसपे अभी शायद इसका भी कुछ सॉल्यूशन आए, जो कि मतलब इससे चोरी से कैसे बचे, जो आपने फिर बताया कि कहीं आप गाड़ी में सर ओकिनावा में जैसे इसकी प्राइस अभी 70,000 है, इसमें मैंने 1,00,000 की भी एक देखी थी, 1,00,000 की ओकिनावा की। अच्छा अच्छा, वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, लेकिन उसमें आपको नंबर प्लेट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा थी सर, और 110 किलोमीटर। 110 थी। अच्छा अच्छा, इसीलिए उसमें नंबर प्लेट भी था। सेकेंडरी और एक चीज था उसमें कि अगर आपकी गाड़ी को कोई चोरी करना चाहेगा या गाड़ी के अगल बगल में भी जाते कुछ टच करना चाहेगा, तो उसमें एक सेंसेशन लगा हुआ रहता है। अच्छा, सेंसर वो बजने लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वही। लेकिन सर जस्ट लाइक कार, कार में जैसे छूते वो टच करता है। हाँ, तो जैसे आपका बजट है इलेक्ट्रिक स्कूटी में वो भी बढ़िया है, जो 1,00,000 की स्कूटी है। ये भी मतलब 70,000 में आपको ये वर्थ लग रहा है या लग रहा है कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए? नहीं, ठीक है सर, मेरा जो मतलब मेरा जो काम है वो बन रहा है, थोड़ा मतलब वर्थ है। अच्छा, आपने फाइनेंस करवाया कैश पे लिया है? कैश पे लिया, कैश पे। देखिए, कैश पे आप लोग लेंगे तो 70,000 आपको ये गाड़ी पड़ेगी, है ना। और बाकी इसमें नंबर प्लेट नहीं है, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो लाइसेंस अभी नहीं बनवाए हैं, चाहते हैं कि फिर भी स्कूटी ड्राइव करें, तो जैसे जस्ट लाइक मैम अभी ड्राइव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पुलिस भी नहीं कर सकता है, है ना। और मुझे इसमें एक चीज अभी मैम दिखाई, अभी मुझे ये लगा कि देखिए इसमें क्या है ना कि दोनों साइड हॉर्न दिया है। इसका रीजन पता है क्या है? जी। दोनों साइड हॉर्न देने का रीजन है, इसकी जो आवाज है ना, आवाज इसमें है ही नहीं, है ना, है ना मैम, आवाज इसमें नहीं है। तो आप जैसे मान लीजिए जा भी रहे हैं ना कॉलोनी में भी, तो अगर कोई आगे से इंसान जा रहा है तो आप उसको कैसे बताएंगे कि मैं आपके पीछे से, है ना, हॉर्न लगाते रहना। इसीलिए दोनों साइड में ये हॉर्न दिया है, यहाँ भी, है ना, जैसे कि यहाँ भी आपका दिया है हॉर्न। सॉरी सर, गाड़ी ऑफ है। अच्छा, गाड़ी ऑफ है। जी सर, हमने दिखाया ना, कहाँ से ऑफ हो गई थी? एक बटन, इसको सर ये करना होगा, ये नॉर्मल नॉर्मल ऐसे, देखिए ये ऐसे रहा, ये ऐसे। मैंने यहाँ दिखाया था कि गाड़ी, अच्छा अच्छा, यहाँ से मैंने मैम ने ऑफ किया था, उसके बाद ऑन करना भूल गई। अच्छा, मेन स्विच है वो, एक तरह से समझिए। हाँ, अब ऑन हो जाएगी गाड़ी। अच्छा, अब देखिए ऑन हो गई, यहाँ पर मीटर में आ गई ना, यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैम बैठ जाइए आप, तो आप लोग देखिए यहाँ पर अब दोनों साइड हॉर्न दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साइड राइट साइड भी और देखिए लेफ्ट साइड भी। देखिए दोनों साइड हॉर्न देने का यही रीजन है ना, गाड़ी में आवाज ही नहीं है तो आवाज कैसे हम लोग देंगे, तो दोनों साइड हॉर्न देने का है कि और हॉर्न लगाते रहे, नहीं तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं नहीं, है ना। मतलब पैदल से भी, पैदल में तो कुछ भी ऐसे जूते की भी आवाज इसमें तो वो भी इतनी स्मूथली ले जाती है ना।
तो आप जैसे इसको स्टार्ट करने के लिए कोई सेल्फ स्टार्ट है या चाबी ऑन किया और डायरेक्ट अब एक्सेलेरेटर दिया तो स्टार्ट हो जाएगी? नहीं सर, चाबी देना है आपको। हाँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद ऑन पर ये करना है, उसके बाद बस डायरेक्ट मतलब एक्सेलेरेटर ऐसे देंगे गाड़ी बढ़ने लगेगी, है ना? अच्छा अच्छा। लेकिन इसमें यही मैं बोलूंगी कि सर एक तरह का यही है, डायरेक्ट ही है। हाँ, गाड़ी में थोड़ा सा तो साउंड होना ही चाहिए ताकि सामने वाले को पता चले कि कोई गाड़ी आ रही है। बट वही चीज़ है मैम, इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च करने का यही रीज़न था कि मतलब साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन जो भी थी, एयर पोल्यूशन, ये सबसे मतलब हम लोग है ना, तो फ्यूचर इसी का है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आने के टाइम में फ्यूचर बिल्कुल। लेकिन वही चीज़ है, कोई भी चीज़ों के दो पहलुआ होते हैं, वो मतलब निगेटिव और प्लस पॉइंट तो दोनों चीज़ में आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी के। जैसा आपने इतने सारे निगेटिव तो काफ़ी मुझे जेन्युइन लगा ये चीज़। अगर ये चीज़ मुझे नहीं पता चल पाता, अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करके नहीं बताते तो, क्योंकि कंपनी वाले तो अपना बेटर ही बताएंगे जो भी अपने गाड़ी के बारे में। आप एक भी आप लोग आपको वो डिमेरिट नहीं बताएंगे, आप लोग स्कूटी जो परचेस कीजिएगा, रन कीजिएगा तो अनुभव से इंसान बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल 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 सही बात, सीखा अपने अनुभव से ही सीखा। बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ जान के। तो आप लोग भी बिल्कुल देख सकते हैं, हर चीज़ मैं आपको दिखाया हूँ जितना हो सका है पॉसिबल, क्योंकि मैम ने भी बिल्कुल नई गाड़ी लिया, आफ्टर 10 दिन हुए हैं गाड़ी के, है ना? तो आप हाइट भी देख सकते हैं, वजन मैम ज़्यादा है क्या एक्टिवा ड्राइव? 80 kg है, बस 80 kg है, ठीक है, 80 kg की वजन है। तो बिल्कुल एक नॉर्मल अच्छे शॉर्ट हाइटेड के लिए सही है या फिर बेस्ट है? मतलब एक्टिवा पे जो आप ड्राइव कर रहे थे और इस पे ड्राइव कर रहे थे, इसमें हाइट दोनों में फर्क आ रही होगी? जी सर, इसमें है ना, इसमें फर्क आ रही है। तो आप देख सकते हैं, अब मैं अच्छा है, मतलब लेडीज लोग ड्राइव कर सकते हैं, बॉयज लोग मतलब मुझे लगता है लोग जैसे सर थोड़ा सा टफ होते हैं वो लोग, और उन लोगों को स्पीड भी चाहिए होता है ना, ये क्या बोलते हैं स्कूटी में या बाइक में, वो लोग का जो हैंडलिंग रहता है, जो ग्रिप रहता है, जैसे चारों तरफ से गाड़ी भी आ रही तभी बॉयज लोग निकाल लेंगे, लेकिन गर्ल्स लोग थोड़ा सा सहम जाती है, ये हो जाती है। उसके हिसाब से अगर आपको पर्टिकुलरली कुछ कुछ काम करना है, जैसे ऑफिस गोइंग का काम करना है या हाउस वाइफ रहती है, छोटा बहुत काम करना रहता है, तो उसके लिए स्कूटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी है। लेकिन तो, आपको लॉन्ग रन में जाना है, एकदम रफ यूज करना है, तब तो आप फिर एक एक्टिवा लीजिए। मतलब बिल्कुल मतलब नॉर्मल के लिए अगर आपको चलना है इधर उधर तो ले सकते हैं, है ना? ज्यादा अगर लॉन्ग ये सब डेली आप ऑफिस आना जाना तो थोड़ा दिक्कत है ना वहाँ पर, मतलब यही चीज़ है। तो यही चीज़ आपको देखिए कंपनी वाले नहीं बताएंगे, कंपनी वाले अपने गाड़ी बेचने के लिए कुछ भी बोल देंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि कंपनी में मैं नहीं जाऊँगा और डायरेक्ट जो मैम जिनको मैं सिखाऊंगा अगर वो गाड़ी लेते हैं तो मैं उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, ताकि उनसे आपको कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगी, क्योंकि मैम कभी गलत नहीं बताएंगी। अगर उनको जो चीज़ डिमेरिट होगी वो चीज़ उनको अगर लगेगी तो ज़रूर बताएंगी, क्योंकि उनको ये चीज़ अगर दिखेगा कि इसमें अच्छाई भी है तो मैम इतनी सारी चीज़ें आपको बताएं। तो बाकी देखिए ये एक्टिवा है, एक्टिवा उन लोगों के लिए मैम ने बताया और मैं भी बताऊंगा कि जैसे इसमें हर चीज़ आपको पावरफुल मिलेगी, 110 cc है, 110 cc, वजन भी इसका लगभग क्विंटल है ना, एक क्विंटल से ऊपर ही होगा वजन। तो इसमें क्या है कि ये पावरफुल गाड़ी है, थोड़ी सी वजन वाली गाड़ी है इसमें एक्टिवा। एक्टिवा सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी है पेट्रोल गाड़ी में, और मैम ने जैसा बताया कि पेट्रोल का क्या है कि अभी प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है, तो जो लोग मतलब अभी बियर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल लो कॉस्टिंग घर में चार्ज कीजिए। अच्छा एक चीज़ मैंने पूछना भूल गया कि चार्ज कितने देर करना पड़ता है और क्या उसकी किलोमीटर की रेंज है चार्ज करने के बाद? सर वही किलोमीटर की रेंज रहेगी, लास्ट 30 kilometers से इसका लास्ट रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि चार्ज करने से ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे इसका चार्जिंग भी अच्छा है सर कि आप 4 to 5 days, 6 days, 7 days चलाइए आराम से, उसके बाद जैसे मतलब मैम मुझे ये जानना है किलोमीटर, जैसे 4-5 days अगर मान लीजिए मैं दिन भर चला रहा हूँ, एक दिन में मान लीजिए 10 घंटे में दिन भर 50 kilometers मैंने चला लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने चार्ज किया। अच्छा 150 kilometers का मतलब चल दिया। हाँ। और चार्जिंग में कितना टाइम लगा? अप्रोक्सर मेरे को चार्ज करने में 2.5 घंटे के अराउंड 2.5 घंटे लग गए। अच्छा, और मतलब बिजली बिल कोई घर में इस बार ज्यादा आया तो घर वाले मम्मी पापा डांट रहे होंगे? अब सर जैसे बजट किए हैं अब आ ज्यादा आएगा तो पता चलेगा, लेकिन ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है क्योंकि मतलब पेट्रोल से तो सस्ता है। हाँ, ना पेट्रोल से सस्ता है। हाँ, तो यही चीज़ है, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी तो अगर आप पेट्रोल इंजन में जाते हैं तो पेट्रोल इंजन में गाड़ी थोड़ी पावरफुल आपको मिल जाती है और थोड़ी सी मेंटेनेंस इसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी की मेंटेनेंस कम है। तो मैं बोला ना हर चीज़ की मेरिट डिमेरिट दोनों होती है, तो बाकी आप लोग अपनी पसंद से लेना चाहते हैं। और जो भी आपको लगता है कि कमेंट में और कौन सी गाड़ी की रिव्यूज़ की जाए तो मैं उसे जल्द से जल्द खोज कर और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करवाना चाहूँगा, क्योंकि मैं शोरूम में नहीं जाना चाहता हूँ। शोरूम वाले से बात करने से क्या होता है, जितने भी सेल्समैन होते हैं
वो लोग अपनी गाड़ी को बस सेल करना चाहते हैं और उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि गाड़ी मेरी क्या परफॉर्मेंस दे रही है, क्या दे रही है, उससे कोई मतलब नहीं, उनका बस गाड़ी बिकना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं दोनों गाड़ी एक साथ लगी हुई है, पेट्रोल गाड़ी एक साइड और एक साइड इलेक्ट्रिक स्कूटी, ठीक है। तो दोनों में बस कंपैरिजन यही है कि मतलब आपको जो पेट्रोल गाड़ी में है उसके भी अपने मेरिट हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसके भी अपने मेरिट है, दोनों के अपने डिमेरिट भी हैं, ठीक है। तो कभी भी शोरूम वाले से आप जो भी रिव्यूज़ कर रहे हैं आप उनका ना देखें, क्योंकि शोरूम वाले कभी बुराई बता ही नहीं सकते हैं। जो भी अगर बुराई बताएगा वो चलाने वाले बताएंगे, चलाने वाले को कोई मतलब नहीं, वो एक स्कूटी ले लिए अब उसके बारे में ही वो बताएंगे कि मेरी ये गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम, तो हर चीज़, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि और कौन सी गाड़ी पर आपको वीडियो मैं लाऊँ, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।